अगर आप राम भक्त हैं तो रामायण के दो सबसे नकारात्मक चरित्रों को भी आप अच्छे से जानते होंगे। पहला रावण और दूसरी मंथरा। धार्मिक शास्त्रों के सबसे दुष्ट चरित्रों में से एक मंथरा की चालाकी का बखान आज भी किया जाता है। आज भी अगर कोई औरत बंटवारे की या घर तोड़ने की बात कहती है तो उसे मंथरा ही बुलाया जाता है। तो क्या था रामायण की सबसे निंदित महिला मंथरा का इतिहास? क्या था उसका असली नाम? क्या वो सच में कैकेयी की दासी थी? उन्होंने भरत को ही राज सिंहासन के लिए क्यों चुना? इन सारे प्रश्नों का जवाब जानने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं रामायण की ओर। देखिए, रामायण के कई संस्करण हैं। एक है मूल रामायण, जो देवर्षि नारद ने स्वयं कही थी। इसके ज्ञान को लेकर वाल्मीकि ने लिखी वाल्मीकि रामायण। ब्रह्मांड रामायण के ज्ञान से व्यास ने लिखी आध्यात्म रामायण। वहीं आंध्र प्रदेश में गोनाबुड रेड्डी ने उस ज्ञान से लिखी श्री रंगनाथ रामायणम। इन सभी पौराणिक गाथाओं के अलग अलग सार से मंथरा की कहानी कुछ यूं सामने आती है। जिस राज्य कैकेयी से मंथरा की कहानी शुरू होती है, ऐसा कहते हैं कि वो कश्मीर, अफगानिस्तान और पंजाब के बीच का एक राज्य हुआ करता था। यहाँ के राजा थे अश्वपति और अपने भाई वृहदश्रव के साथ वो इस राज्य को बड़े प्रेम से चलाया करते थे। राजा अश्वपति की पुत्री थी कैकेयी और वृहदश्रव की पुत्री थी रेखा। रेखा को विशालाक्षी यानी कि बड़ी आंखों वाली और चतुर माना जाता था। ऐसा भी कहा जाता था कि वो ज्योतिष की ज्ञाता थी। रेखा को अपने रूप से बड़ा प्रेम था और इसको सदा ऐसे ही सुंदर रखने के लिए उसने कुछ दुष्कर पेय पदार्थों का सेवन किया। कहते हैं इससे उन्हें त्रिदोष हो गया, जिससे उनके शरीर में तीन जगहों पर विकृतियां आ गईं, जिनमें से एक रीढ़ की हड्डी भी थी और उससे कुबड़ आ गया। कुछ सालों बाद जब कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हुआ तो वो अपनी प्यारी बहन रेखा को भी साथ लेकर अयोध्या आ गईं। परंतु रेखा के रूप को देखकर सबने उसे दासी समझ लिया और उसके कुबड़ को देखकर उसे मंथरा का नाम मिला। रेखा जो अब मंथरा बन चुकी थी, उसे बुरा तो बहुत लगा, मगर वो अपनी बहन के प्रेम में ये सब सहने लगी और मन से उसकी सेवा करने लगी। कुछ समय में कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने राम को और सबसे छोटी रानी सुमित्रा को जुड़वा बच्चे लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। चारों राजकुमार तीव्र गति से बड़े होने लगे और उनकी शैतानियां भी बढ़ने लगी। ऐसे में एक दिन खेलते खेलते कुमारों ने सामने से आ रही मंथरा को चोट पहुंचा दी। जब मंथरा दर्द से कराही तो उससे क्षमा मांगने की जगह बच्चे उस पर हंसने लगे। जब राजा दशरथ को इस बात का पता चला तो उन्होंने चारों राजकुमारों को गुरुकुल भेज दिया। इस बीच एक नवीन घटना भी घटी। राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया कि उनकी भी पुत्र वियोग से मृत्यु होगी। कहते हैं मंथरा ने अपनी ज्योतिष ज्ञान से जान लिया था कि राम की मृत्यु को टालने का कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो स्वयं विष्णु का अवतार हैं, जिन्होंने धरती पर रावण का नाश करने के लिए अवतार लिया है। कुछ सालों में जब राजकुमार अपने गुरु दीक्षा लेकर वापस आए, तब राम को राजपथ पर बिठाने की बात होने लगी। यहीं पर मंथरा को अपना समय आता दिखाई दिया। एक तो राम को राजगद्दी से हटाना, दूसरे उसके अपने भांजे भरत को राजगद्दी दिलाना, दोनों ही प्रयोजन पूरे होते दिखे तो मंथरा ने अपनी चाल चली। कहते हैं उस समय स्वयं सरस्वती उसकी जिह्वा पर आकर बैठ गई। कहीं ना कहीं देवता भी चाहते थे कि राम अयोध्या पर राज ना करके पहले रावण से जगत को छुटकारा दिलाएं। तो ये संगत कुछ यूं बैठी कि कैकेयी ने मंथरा की बातों पर जहां इतने वर्षों से ध्यान नहीं दिया था, अचानक उसकी सारी बातें सही लगने लगी। मंथरा के कहने पर उसने राजा दशरथ से अपने दो अभय वर मांगे, जिनमें से एक था राम को वनवास पे भेजना और दूसरा भरत को राजगद्दी पर बिठाना। दशरथ ने दोनों ही वर उसे दिए और राम वनवास को निकल गए। आगे की कहानी तो आपको पता ही है, मगर 14 वर्ष बाद वापस आने पर जानते हैं राम और मंथरा का मेल कैसे हुआ। मंथरा राम को एक अंधेरी कोठरी में बिल्कुल हताश और मृत्यु के समीप मिली। राम तो श्री राम है, उन्हें देखकर मंथरा को बहुत ग्लानि हुई और उसने राम से क्षमा की याचना की। श्री राम ने प्रेम से उन्हें क्षमा कर दिया और इसके बाद मंथरा यानी रेखा ने अपना शरीर त्याग दिया। मंथरा की कथा तो यही समाप्त होती है, परंतु इसमें एक बात सामने आती है कि बुराई कैसी भी हो, उसमें कुछ ना कुछ भलाई तो होती ही है।
और अगर प्रेम और संयम से काम लिया जाए तो बुराई पर जीत जरूर मिलती है।